पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, वहीं नामांकन दाखिल करने आ रहे लोगों को बिना मास्क लगाए परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अब तक विदिशा जिले में कुल 1006 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 17, जनपद सदस्य के लिए 122, सरपंच पद के लिए 797 एवं पंच पद के लिए अब तक 110 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। नामांकन पत्र जमा करने की आज अंतिम तिथि है। इस दौरान 1000 से ऊपर पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के लिए फॉर्म जमा हो चुके हैं। आज 3 बजे तक ये दौर चलता रहेगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सख्त निर्देश दिए थे कि शासकीय कार्यालयों में बिना मास्क लगाए किसी को भी, जो मास्क लगा है उन्हीं को प्रवेश दिया जाए, बिना मास्क लगाए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। यहाँ पर भी जो नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है उसको लेकर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जो प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है उसका पालन यहाँ पर किया। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको मास्क जो नहीं लगा, विदाउट मास्क अंदर जाने की परमिशन, कोई अनुमति नहीं है। बता रहे हैं हमारे साथ जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं कि जो नाम निर्देशन पत्र जमा करने जो भी जा रहे हैं, जिला पंचायत के लिए इस जगह पर नाम निर्देशन पत्र जमा हो रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी यहां पर आ रहे हैं उनको बिना मास्क लगाए यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई है, निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव के निर्देश पर ये व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और आज आखिरी दिन है नाम निर्देशन पत्र जमा करने का। जिला कलेक्ट्रेट में अलग से व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अन्य जगहों पर, चार जगहों पर, चार विकासखंडों विदिशा, गंजवासदा, ग्यारसपुर, कुरवाई में दो स्तरीय जो द्वितीय, प्रथम और द्वितीय चरण का जो चुनाव होना उसके लिए वहां पर नाम निर्देशन पत्र आज 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव।